हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम बातचीत करेंगे कि जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस देखे जा रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे सोने के दामों में कितना ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में एज ए निवेशक आप सोना खरीदना चाहते हैं, अगर आप सोना किसी भी फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हैं, तो वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। मतलब सोने में उछाल आपको क्या वाकई मालामाल बना सकता है, सोने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आने वाले दिनों में आप अपने पोर्टफोलियो में सोने को किस फॉर्म में रख सकते हैं और किस फॉर्म में आपको रखना चाहिए, ये सब बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रजेश परनामी, सीईओ कोर ट्री वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज। बहुत स्वागत है ब्रजेश आपका आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। थैंक यू स्वाति। तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं अपने शो में, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे सोने में उछाल क्या बनाएगा मालामाल, सोने में निवेश सही या फिर गहने खरीदें, क्या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करें, साथ ही बताएंगे कहां निवेश से आप कमाएं मुनाफा। तो सबसे पहले ब्रजेश हम आपसे यही समझना चाहेंगे, जब भी किसी भी तरीके की अनिश्चितता बढ़ती है, उसमें भी अगर ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है, सोने के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन आम निवेशक की समझ के लिए जो सोने में हम उछाल देख रहे हैं, जबरदस्त रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है, उसकी मेन वजहें क्या हैं? जी, जैसा आपने बताया, इसके अगर हम थोड़ा देखें जियोपॉलिटिकल रीजन या ग्लोबल रीजन जिसको बोलें, पिछले 2-3 महीनों में थोड़ा सा कारण इसका यही बना है। और ये डिपेंड करता है थोड़ा सा हमारा जो रुपी का जो मूवमेंट है अगेंस्ट द डॉलर, अगर वो फ्लक्चुएशन है और हमारा रुपी अगर कमज़ोर है डॉलर के मुकाबले में, तो भी सोने का भाव बढ़ जाता है। उसका वजह यह है कि देखिए, ग्लोबली सोने को एक ऐसा एसेट माना गया जो कि एक सेफ हेवन जिसको हम बोलते हैं, कि मतलब कुछ भी हो जाए सोने को कुछ नहीं होगा। तो ये ग्लोबली लोगों की ऐसी धारणा है कि सोना एक जो मेटल, जो प्रेशियस मेटल में सबसे उम्दा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है। तो कुछ भी होगा सोने में लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल परसेप्शन और लोगों का एक ये ग्लोबल धारणा जो है उसको बोलेंगे कि ये सबसे सेफ मेटल होता है, तो उसकी वजह से इसका मूवमेंट काफ़ी प्रभावित होता है। तो अगर हम रीज़न जाने तो अभी देखिए, जैसे जो लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल इशू ईरान का और यूएस के बीच में थोड़ा सा वॉर के वो बने हैं आसार, उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों को लगता है कि सेफ हेवन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ के साथ अगर आप देखेंगे कि हमारा रुपी भी थोड़ा सा वीक हो रहा है यूएस डॉलर के मुकाबले में, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से सोने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी का हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये ऐसे में जानना जरूरी है कि निवेश के लिहाज से जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो बाकी निवेश के एवेन्यूज के मुकाबले कहां पर स्टैंड करता है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये सेफ हेवन है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अब उसमें 2-3 तरीके हैं। अगर आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट देखें, निवेश का एक तरीका देखें, तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ज्वेलरी ले लें और फिर मैं एज एन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो वो एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती, बिकॉज उसके भी अपने रीजंस हैं। अगर आप मान लो आप गोल्ड में निवेश बहुत तरीकों से कर सकते, जैसा कि हम आगे थोड़ा सा आगे अपने शो में शायद हम ये चर्चा करने वाले हैं कि गोल्ड को किस किस तरीके में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस मोड में आप उसको सोने को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप एक अपने शौक के लिए सोना खरीद रहे हैं, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक उसमें आप क्या एक जरिया पकड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें कई जरिए हैं आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के। ज्वेलरी एकमात्र जरिया नहीं है, उसमें बहुत सारे जरिए हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, लेकिन तो ये बहुत जानना इम्पोर्टेंट है कि आप एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या एज ए आप उसको शौक की तरह, चलो जी एक ज्वेलरी है, कोई आपका कोई एक फंक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से ज्वेलरी खरीद लिया तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ। तो इसको एज ए फाइनेंशियल एसेट की तरह हम इन्वेस्टमेंट को हमको देखना चाहिए। तो जैसे हम आगे चर्चा ये करने वाले हैं कि उसके कई सारे मोड होते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के। बिल्कुल ब्रिजेश, जैसे आपने कहा कि कई ऐसे निवेश के विकल्प हैं जो गोल्ड में हमें अवसर देते हैं अच्छी कमाई का जरिया के। अब हम दो तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिजिकल गोल्ड जाना पहचाना तरीका है, एक तो उसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, और दूसरा पेपर गोल्ड। पेपर गोल्ड में क्या क्या एवेन्यूज आते हैं, पहले हम जानेंगे कि निवेश के तरीके क्या है, फिर उस पर विस्तार से चर्चा हम इसके बाद करेंगे। जी देखिए, निवेश के इसमें जैसे आपने बताया कि पेपर गोल्ड और नॉन पेपर गोल्ड मींस फिजिकल गोल्ड,
हम सब पहले चलिए फिजिकल गोल्ड की बात करें तो टिपिकल जो निवेश के तरीके उसमें हम जो नॉर्मली लोग करते हैं, ज्वेलरी खरीद लिया या फिजिकल गोल्ड में सोने के क्वाइन खरीद लिए या गोल्ड बार खरीद लिए, तो इस तरीके से और गोल्ड सेविंग स्कीम भी चलती हैं आजकल तो वैसे तो वो भी हैं। तो ये तीन चार तरीके जो हैं ये फिजिकल गोल्ड के हो गए। अगर हम पेपर गोल्ड की बात करें तो उसमें जैसे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपके गोल्ड ETFs हो गए जो कि एक बहुत ही उम्दा तरीका है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। और अगर आप देखें उसमें जैसे मैंने बताया गोल्ड MF है, गोल्ड ETF है और गोल्ड बार और गोल्ड बॉन्ड्स हैं, आजकल सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तीन चार तरीके हैं जो नॉन फिजिकल गोल्ड के भी हैं, जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि जैसे म्यूचुअल फंड गोल्ड म्यूचुअल फंड है और ये आपका डिजिटल गोल्ड है या सोवरन गोल्ड बॉन्ड है, ये सारे एक अच्छे तरीके माने जाते हैं। गोल्ड ETF को मैं अपने हिसाब से काफी एक अच्छा विकल्प समझता हूँ आज की डेट में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। ओके, इनफैक्ट जब सुरक्षा की बात आती है, गोल्ड तो पारंपरिक तौर पर सुरक्षित एसेट माना ही जाता है, लेकिन इन तमाम विकल्पों में अगर हम सोने में निवेश को सुरक्षा के पैमाने पर परखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहां पर विकल्प सबसे ज़्यादा सेफ माना जाए? देखिए ये बड़ी आम सी बात है, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपको उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी खुद की हो जाती है, या तो आप उसको बैंक के लॉकर में रखेंगे या घर के किसी सेफ में रखेंगे, जो कि देखा जाए तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं माने। या अगर सपोज आप ज्वेलरी पहन के भी चलते हैं तो चोरी का खतरा तो देखिए हमेशा है, चाहे भले ही आप घर में रखिए या आप उसको पहन के चलिए, ठीक है हाँ लॉकर में जरूर रख सकते हैं आप, उसमें थोड़ा सा आप सेफ्टी हो जाता है। तो आप किस फॉर्म में गोल्ड खरीद रहे हैं तो सुरक्षा उस पर डिपेंड करती है। अगर फिजिकल गोल्ड है तो बाय डिफॉल्ट उसकी सिक्योरिटी का थ्रेट जो है, चोरी का थ्रेट है, वो हमेशा बना रहता है। वर्सेस अगर आपने पेपर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो एज इट डिफाइंस कि ये पेपर गोल्ड है तो आपका कोई चोरी का कोई खतरा ही नहीं है उसमें, मतलब आप उसको कहीं पे भी पेपर को रख सकते हैं, आप अपना सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो वो तो कोई स्ट्रेस का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ओके, अब हम सबसे पहले चर्चा करने जा रहे हैं जो कि डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड है उसकी, क्योंकि निवेश के अलग तरीकों पर, खासतौर पर जब सोने में निवेश की बात आती है, वो जानना जरूरी है कि नए नए एवेन्यूज क्या निकल कर आए हैं। फिजिकल गोल्ड के बारे में तो हम सबको पता ही है, लेकिन सोने के बाकी भी विकल्प हैं जिसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो अब अपने शो में हम आपसे जानना चाहेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड, इसमें निवेश का तरीका क्या है और ये कैसे निवेशकों के लिए आप सुरक्षित जरिया बताएंगे वेल्थ क्रिएशन का? जी देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड इज लाइक ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड, जैसे कि आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर है वो आपके कॉर्पस को एक पर्टिकुलर थीम, जो एक जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्टमेंट का, उस फंड का क्या थीम है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। तो सिमिलरली इसमें जैसा कि नाम इसमें है गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो जो फंड मैनेजर होगा उस पर्टिकुलर AMC का, उसको गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में या गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फंड में ही वो इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से वो सब उनका वो जो भी उनका जो रूपरेखा है वो फंड मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस पर्टिकुलर AMC की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो लाइक ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड, एक आप इस गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई अपना आप डायरेक्टली AMC से बाय कर सकते हैं, यू नो ऑनलाइन आजकल ये प्रावधान है, या आपके पास कोई आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल एक तरीका है, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड बाय करते हैं वैसे ये गोल्ड म्यूचुअल फंड आप बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि म्यूचुअल फंड जैसे हम बोलते हैं कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो सिमिलरली गोल्ड म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बाजार के हिसाब से उतार चढ़ाव जैसे भी होंगे तो सोने की कीमत ऊपर नीचे होती है जैसा कि हम आप देख रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द मार्केट रिस्क। इनफैक्ट ब्रिजेश, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि बाजार के उतार चढ़ाव से कई लोग असहज महसूस करते हैं कि एक तो गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, मतलब गोल्ड का एक अल्टरनेटिव वो देखना चाहते हैं, उसमें भी गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव से उन्हें गुजरना पड़ेगा। तो कब निवेश करना सही जी, आप बताएंगे? देखिए डिपेंड करता है स्वाति जी, ये मार्केट को टाइम करना ये किसी के बस की बात नहीं है, हम नहीं बोल सकते कि आज अच्छा समय या कल अच्छा समय, लेकिन हाँ
आप जैसे कि हमेशा हम अपने शो में बातें करते रहे कि आपका गोल क्या है, पहले तो गोल सुनिश्चित कीजिए आप। अगर आपको गोल है कि लॉन्ग टर्म में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, और गोल्ड एज ए एसेट क्लास हम अपने सारे निवेशकों को बोलते हैं कि अराउंड 10-12% आपका जो एसेट एलोकेशन होता है, 10-12% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, और जो कि पेपर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो अगर 10-12% है, क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए इसको एक डेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में मैं मानता हूँ, ये कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक डेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर पिछला हम इसका अगर रिटर्न देखें पिछले एक साल का तो बहुत ही इसने इक्विटी क्लास को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अगर पिछले 10 साल का अगर रिटर्न देखें तो करीबन 8-8.5% का रिटर्न है, जो कि हम टिपिकल मैं उसको एक डेट कैटेगरी का रिटर्न मानता हूँ। तो अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है, लिक्विडिटी आप यू नो आपको सपोज 3-5 साल तक की जरूरत नहीं है, तो एक ये अच्छी एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट हो सकती है। लेकिन इसको मार्केट के हिसाब से टाइमिंग करना वो इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। ओके, अब हम इतनी सारी खूबियों की बात करें ब्रजेश गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की, कुछ फंड्स में आपसे जानना चाहूंगी जो आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करेंगे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। जी देखिए, रिलायंस गोल्ड सेविंग फंड है, कोटक गोल्ड फंड है, SBI गोल्ड फंड है, ये तीनों फंड काफी अच्छा कर रहे हैं और ये तीनों अच्छी कंपनियां भी हैं। तो इसमें अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं ये तीन फंड सजेस्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का आ गया है, पर ब्रेक पर जाने से पहले हम आसान भाषा में समझते हैं कि जो अलग अलग म्यूचुअल फंड के टर्म्स होते हैं उसको आप कैसे समझाएंगे, तो आज का शब्द क्या है और आप आसान भाषा में क्या बताएंगे उसमें? देखिए, प्रीमियम जो है, एक नॉर्मली लोग कंफ्यूजन रहती है इसको कि ये म्यूचुअल फंड में ये प्रीमियम क्या टर्म होती है, तो हम थोड़ा सा आज के शो में के माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जैसे एक फंड की नेट एसेट वैल्यू है, तो नेट एसेट वैल्यू से ऊपर की कीमत को प्रीमियम कहा जाता है, और अगर नेट एसेट वैल्यू के नीचे की अगर सपोज आपने खरीद बेच किया तो आपने इसको नीचे बेचा तो उसको डिस्काउंट बोला जाता है। तो ऊपर की कीमत को हम प्रीमियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपके फंड की नेट एसेट वैल्यू सपोज 5 रुपये है और आपने इसको बाजार में खरीदा बेचा 5 रुपये 10 पैसे में, तो हम ये बोलेंगे कि ये फंड का 2% NAV का प्रीमियम चल रहा है। तो ये एक आसान भाषा में प्रीमियम को NAV से ज़्यादा की कीमत को प्रीमियम कहा जाता है। ब्रजेश, हमने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात की, अब मैं आपसे गोल्ड ETF के बारे में जानना चाहती हूँ। आपने शो की शुरुआत में ही कहा था ये वन ऑफ द बेस्ट विकल्प आप मानते हैं सोने में निवेश का, आखिर ऐसा क्यों है? जी देखिए, जैसा ये इसके नाम में है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो लाइक एनी अदर ETF, गोल्ड ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको जैसे स्टॉक मार्केट में दूसरे स्टॉक्स को या इक्विटीज को आप खरीदते हैं, तो सिमिलरली स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह, मतलब शेयरों की तरह आप इसको भी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड गोल्ड ETF को भी आप खरीद सकते हैं। मैं इसको विकल्प अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए इसमें जो खर्चा है, जो एक्सपेंस रेशो है, वो एकदम मिनिमम है एज कम्पेयर टू अगर आप फिजिकल गोल्ड देखें या गोल्ड क्वाइन देखें या आप गोल्ड ज्वेलरी देखें, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत आ गए या जो 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 दुकान उसको बेच रही है उसके मार्जिन्स आ गए, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, उसमें बहुत खर्चे ऐड हो जाते हैं कंज्यूमर के लिए। वेर इन अगर आप गोल्ड ETF की अगर आप देखें तो इसमें एकदम मिनिमल खर्चे में आप डायरेक्टली जो गोल्ड का जो एक्यूरेट नियर टू जो एक्यूरेट गोल्ड कीमत जो चलती है मार्केट में, और ऑन ए कॉन्करेंट बेसिस इसको हम बोलते हैं, जो एकदम लाइव कीमत जो होती है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप ट्रैक कर सकते हैं कि अभी उसकी आपकी ETF की वैल्यू, आपके शेयर की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, तो अकॉर्डिंगली आपका कंट्रोल बहुत है इस चीज में और खर्चा कम से कम है। तो इसलिए मैं इसको बहुत बेहतर स्कीम मानता हूँ गोल्ड ETF को। इसकी खूबियां बताने के बाद मैं आपसे कुछ आपके पसंदीदा गोल्ड ETF सब जानना चाहती हूं, और उसके बाद इन पर्टिकुलर ETFs में अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो रिटर्न के लिहाज से कितना ज्यादा ये ल्यूक्रेटिव साबित हुआ है? जी देखिए, आपने जो पहला सवाल पूछा मेरे पसंदीदा, तो मैं थोड़ा 4-5 फंड्स में जरूर बता दूंगा। जैसे निपॉन इंडिया ETF गोल्ड BES है, SBI गोल्ड ETF है, HDFC गोल्ड ETF है, UTI गोल्ड ETF है और एक्सिस गोल्ड ETF है। इसके अलावा ICICI और IDBI के गोल्ड ETF फंड्स भी हैं। अब रही बात रिटर्न की, देखिए अगर गोल्ड ETF का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न पिछले एक साल में ETF ने दिया, करीबन 28% का एवरेज रिटर्न आया है। वेयर इन अगर इसको हम पिछले 10 साल के रिटर्न से देखें तो करीबन 8.5% का रिटर्न होता है।
तो अगर ETF एज ए कैटेगरी हम देखते हैं तो मतलब आप उसका रिटर्न अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने बहुत सारे इक्विटी क्लास को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन जरूरी नहीं है, जैसा जैसे हम बोलते हैं कि मार्केट करंट मार्केट परफॉर्मेंस इज नॉट ए गारंटी फॉर द फ्यूचर, बट अगर हम ट्रेंड को देखें वाकई तो ट्रेंड में ETF का ट्रेंड जो बहुत ही उम्दा ट्रेंड है। ओके, तो गोल्ड ETF और इसके पहले गोल्ड म्यूचुअल फंड निवेश के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है जब हम सोने में निवेश के तमाम विकल्पों की बात करते हैं। इस बीच कुछ सवाल लेते हैं हमारे पास जो ईमेल पर आए हैं। तुषार जी का सवाल हमारे पास ईमेल पर आया है। ब्रजेश, म्यूचुअल फंड में 2500 रुपए की इनकी SIP है, 20 साल में 1 करोड़ का इनका लक्ष्य है, इस साल निवेश में 10% की बढ़ोतरी भी करेंगे इन्होंने कहा। कुछ फंड पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं, स्पेशली कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI फोकस इक्विटी फंड कैसे हैं, इस पर राय चाहते हैं आपकी। और जो इनके फंड्स हैं जिसकी लिस्ट उन्होंने हमें दी है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, ICICI प्रू ब्लू चिप और आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, ये फंड इनके कैसे हैं? जी, इनका जो करंट एलोकेशन है वो ठीक है स्वाति जी, मैंने देखा, और ये 10% स्टेप अप भी करना चाह रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, तो मेरे हिसाब से 20 साल में इनका डिजायर्ड गोल कंफर्टेबली अचीव होना चाहिए। इनको मैं थोड़ी सी सलाह और दूंगा कि लार्ज और मिड कैप का थोड़ा सा मिश्रण कर लें। मैं एक फंड भी सजेस्ट कर सकता हूं इसमें कि मिराय एसेट का एक इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, तो उसमें उसको ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब ये जानना चाहेंगे हम कि पेपर गोल्ड की तो हमने बात कर ली, लेकिन जब हम फिजिकल गोल्ड के भी अलग अलग एवेन्यूज की बात करते हैं ब्रजेश, उसमें मैं स्पेशली आपसे गोल्ड बार की बात करना चाहती हूँ, या फिर गोल्ड के सिक्के कई लोग खरीदते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल ज्वेलरियां, गहने जो होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसका फायदा क्या है एज कम्पेयर टू सोने के गहने जो बहुत ज्यादा लोग कई बार इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं ऐसे टाइम पर? देखिए, अगर आप, मैंने जैसे शो के स्टार्टिंग में हमने बात की, अगर आप सोने को एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो मैं ज्वेलरी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप कोई फिजिकल ज्वेलरी बनवा रहे हैं और उसको एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, वो एक क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ मनी माना जाता है अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ माई कंज्यूमर्स यार, अगर आप उसको किसी फंक्शन में या एक आपके शौक के हिसाब से ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो एक अलग बात हो गई, लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इशू ये होता है, देखिए मेकिंग चार्जेस का, अगर आपने ज्वेलरी खरीदी तो मेकिंग चार्जेस जो हैं वो बहुत सारे ऐड हो जाते हैं उसमें। और दूसरी बात, जब अगर आपने उसको रिटर्न किया सपोज ज्वेलरी को, और फिर उसमें क्या हॉलमार्क चार्जेस अलग ऐड होंगे, फिर उसके अगर स्टोन्स हैं उस ज्वेलरी में तो उसका वेट अलग होगा, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन ऐड हो जाती हैं एक ज्वेलरी में अगर देखें। अगर हाँ, एज एन इन्वेस्टमेंट में अगर आप ज्वेलरी की बजाय आपने गोल्ड बार या गोल्ड क्वाइन में इन्वेस्ट किया, उसको मैं थोड़ा बेहतर विकल्प समझता हूँ अगर फिजिकल गोल्ड में किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब कॉम्प्लिकेशंस उसमें ऐड नहीं होंगे और मेकिंग चार्जेस रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन गोल्ड बार और गोल्ड क्वाइंस में भी रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन हाँ उसको मैं थोड़ा बेहतर विकल्प समझता हूँ फिजिकल ज्वेलरी के अलावा, अगर आप फिजिकल गोल्ड में अगर आपको करना है तो सर्टिफाइड ये होना चाहिए। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपका अगर गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन खरीद रहे हो वो एक सर्टिफाइड जरूर होना चाहिए। 999 जो मार्क आते हैं वो आप जरूर चेक कीजिए, तो ये सब चीजों का थोड़ा सा आपको ख्याल करना है। बिल्कुल, एक और सवाल हमारे पास आ रहा है भूपेंद्र कुमार पिल्लई जी का। इनका सवाल जानते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं, बेटी की शादी के लिए SIP शुरू करनी है, 10 साल की बेटी है, कुछ फंड्स आपसे जानना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए। जी देखिए, अभी मेरे को गोल तो मालूम नहीं है कितना फंड इनको कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है तो, लेकिन ठीक है 10 साल की बिटिया है तो अभी सपोज इनके पास 15-20 साल है उसकी मैरिज से पहले, तो क्लियरली अभी होराइजन अच्छा है इनका, तो मैं दो फंड इनको सजेस्ट कर देता हूँ। जैसे कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप है, एक ही मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, और दूसरा SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, ये थोड़ा लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाता है, तो ये आराम से इसमें SIP के जरिए ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक और सवाल हमारे पास आ रहा है अमित कुमार का, ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश ये भी शुरू करना चाहते हैं, इक्विटी में कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं ये बताएं, और कुछ जो फंड्स इन्होंने चूज किए हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, एक्सिस फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI का फोकस इक्विटी और पराग पारिक LT इक्विटी फंड, ये फंड्स कैसे हैं, डेट में 1 से 2 साल के लिए निवेश करना है, उसके लिए कुछ अच्छे डेट फंड्स बताएं। जी इनके ये फंड्स ठीक हैं, एक्सिस फोकस 25 और SBI फोकस इक्विटी, ये दोनों ठीक हैं। डेट फंड में अगर जो ये पूछ रहे हैं 1 से 2 साल के हराइजन के लिए, तो मैं इनको HDFC का एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में रिकमेंड करूंगा, बाकी इनके ये जो दो फंड्स पूछ रहे हैं ये ठीक हैं।
ओके, जो अमित जी आपको बता दिया गया है कि आपका जो सिलेक्शन है फंड वो बेटर है, कुछ जो चेंजेस है वो आप जरूर कीजिएगा। आपके निवेश के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। तो अब शो अंत करने से पहले हम अपने जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे दर्शकों के लिए टिप जानते हैं, तो आपका टिप ऑफ द डे क्या है आज? जी देखिए, हमने बात की गोल्ड ETF की और उसका रिटर्न भी बहुत ही शानदार है पिछले एक साल का, तो मैं ये देना बोलना चाहूँगा अगर आप गोल्ड एज ए कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो ETF एक बेस्ट माध्यम है उसमें। तो ETF मोड में आप खरीद कर सकते हैं और इसमें क्या है कि आप ग्रामेज के हिसाब से भी आप खरीद सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप ग्राम के हिसाब से 5 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम जितना आप उसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने आप टिप को बताया कि गोल्ड एज एन एसेट क्लास वी ऑलवेज रिकमेंड कि आपका 10-12% से ज्यादा इसमें निवेश होना थोड़ा अच्छा नहीं है, तो 10-12% तक का आप निवेश कीजिए, गोल्ड ETF में निवेश कीजिए, तो आई थिंक इट इज अ फैंटास्टिक एसेट कैटेगरी। थैंक यू सो मच ब्रजेश हमारे साथ म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज शामिल होने के लिए और सोने के निवेश के अलग अलग तरीकों पर चर्चा करने के लिए। इट्स माय प्लेजर स्वाति, थैंक यू सो मच। तो आज के शो में बस इतना ही।